अमीर और गरीब की जादुई दो लिपस्टिक। बहुत समय पहले चुड़ैल और परियों की आपसी दुश्मनी के चलते युद्ध के दौरान सपना परी वीर गति को प्राप्त हो जाती है। सभी परियां सपना परी का शौर्य और पराक्रम देखकर बहुत भावुक हो जाती हैं। सपना परी की बेटी तारा परी को जब अपनी माँ के देहांत के बारे में पता चलता है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। सभी सैनिक परियां और परा मिलकर सपना परी का देह संस्कार कर देते हैं। अपनी माँ के मृत्यु के बाद तारा परी बहुत ही अकेली और गुमसुम हो गई थी। अब तारा परी ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, क्योंकि बचपन से अभी तक उसकी माँ ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। तारा परी की हालत उसके पिता से देखी नहीं जाती और वह तारा को एक माँ का प्यार देने के लिए एक रिंकी नाम की परी से दूसरा विवाह कर लेते हैं। रिंकी परी एक बहुत ही बुरी परी थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था कशिश। कशिश परी एक बहुत ही घमंडी, बिगड़ैल और जिद्दी परी थी। कशिश परी दिखने में सांवली थी और उसके चेहरे पर कई दाग थे। फिर भी उसके अंदर पता नहीं किस बात का घमंड था कि वह दोनों माँ बेटी तारा परी के सुंदर गोरे रंग से बहुत जला करती थी और दोनों मिलकर उस पर बहुत अत्याचार भी करती थी। क्योंकि तारा परी दुनिया की सबसे खूबसूरत परी थी, इसलिए उससे जलकर रिंकी परी तारा परी से घर के सारे काम कराया करती थी। जबकि दूसरी तरफ रिंकी परी अपनी सगी बेटी कशिश परी के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट और चॉकलेट लाती रहती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन, माँ आपको तो याद ही होगा मेरा जन्मदिन आ रहा है, इस बार मुझे अपने बर्थडे पर कुछ स्पेशल चाहिए। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, आखिर तू है ही इतनी स्पेशल, तो तेरा गिफ्ट भी तो स्पेशल ही होगा ना। बता इस बार तुझे क्या चाहिए, मैं वही तेरे बर्थडे पर ला कर दूंगी। हाँ मैंने सुना है पृथ्वी लोक पर एक बहुत प्रसिद्ध जादूगरनी रहती है जिसके पास वर्षों की तपस्या से प्राप्त हुई एक जादुई लिपस्टिक है जिसे लगाकर कोई भी बदसूरत से बदसूरत इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बन सकता है। इस बार मुझे अपने बर्थडे पर वही लिपस्टिक चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं तुझे तेरे बर्थडे पर वह लिपस्टिक लाकर जरूर दूंगी। माँ उस दिन तो तारा मनहूस का भी जन्मदिन है, आप उसको जन्मदिन पर क्या गिफ्ट देंगी। हाँ मुझे याद है कि उस मनहूस का भी जन्मदिन तेरे बर्थडे वाले दिन ही आता है। इस बार मैं उसे एक ऐसा गिफ्ट दूंगी कि वह अगले 7 जन्मों तक याद रखेगी और किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। इतना कहकर रिंकी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन रिंकी परी पृथ्वी लोक पर उस जादूगरनी के घर पहुंच जाती है। सुनिए जादूगरनी, मैं आपकी कुछ मदद चाहती हूँ। मैंने सुना है आपके पास जादुई लिपस्टिक है जिसकी मदद से कोई भी इंसान चुटकियों में दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बन जाता है। क्या आप वह लिपस्टिक मुझे दे सकती हैं? कौन हो तुम और तुम्हें वह लिपस्टिक क्यों चाहिए? मैं रिंकी परी हूँ और मैं परीलोक में रहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी कशिश परी का जन्मदिन आ रहा है और मैं उसे इस बार यह जादुई लिपस्टिक गिफ्ट करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे वह जादुई लिपस्टिक दे दोगी तो मैं तुम्हें सोने चांदी से भर दूंगी। ठीक है मैं कल तुम्हें वह जादुई लिपस्टिक दे दूंगी, अभी तुम यहाँ से जाओ। जादूगरनी मैं चाहती हूँ कि आप अपने जादू से एक बदसूरत बनाने वाली लिपस्टिक बनाए। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको अपने परीलोक का सबसे खूबसूरत हीरा दे दूंगी जिसे बेचकर आप बहुत अमीर हो जाएंगी। रिंकी परी की बातें सुनकर जादूगरनी वह लिपस्टिक बनाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह रिंकी परी वहां से परीलोक की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रात होते ही जादूगरनी
अपनी जादुई शक्तियों से बुरा बनाने वाली लिपस्टिक तैयार कर लेती है। अगली सुबह रिंकी परी दोनों लिपस्टिक लेने पृथ्वी लोक पर आ जाती है। आओ आओ रिंकी परी, यह लो, यह दोनों जादुई लिपस्टिक तुम रख लो और अपने कहे अनुसार तुम परिलोक का सबसे सुंदर हीरा लाई हो ना। हाँ जादूगरनी जी, यह लीजिए आपके सोने के सिक्के और बेशकीमती हीरा। रिंकी परी, यह दोनों लिपस्टिक ले जाने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। कभी भी इन दोनों लिपस्टिक का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करना, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। रिंकी परी हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। रिंकी परी उन दोनों लिपस्टिक को अपनी अलमारी में संभाल कर रख देती है। कुछ दिनों बाद कशिश परी का जन्मदिन आ जाता है। हैप्पी बर्थडे माय डियर कशिश, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। यह लो तुम्हारी जादुई लिपस्टिक, तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट। थैंक यू माँ, आप मेरे लिए लिपस्टिक ले आई, आप दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम हैं। कशिश और रिंकी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ तारा परी भी आ जाती है। माँ आज तो मेरा भी जन्मदिन है, आप मेरे लिए क्या लाई हैं? हाँ बेटी आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, मैं तुम्हारे लिए भी स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। यह लो जादुई लिपस्टिक, जन्मदिन मुबारक हो, इसे जल्दी से लगाकर तैयार हो जाओ, शाम को बर्थडे पार्टी का भी फंक्शन है। तारा परी वह जादुई लिपस्टिक देखकर बहुत खुश होती है। ठीक है माँ, मैं जाकर बर्थडे की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर तारा परी वहाँ से बाहर चली जाती है। माँ आपने उस तारा की बच्ची को जादुई लिपस्टिक क्यों दी? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, अगर वह तारा की बच्ची बर्थडे पार्टी में आई तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं आऊंगी। तू नाराज ना हो मेरी प्यारी बच्ची, वह बदसूरत बनाने वाली जादुई लिपस्टिक है, आज शाम को पार्टी में तू ही सबसे खूबसूरत लगेगी। यह सुनकर कशिश और भी ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को जब तारा परी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपना मेकअप करती है तो बहुत सुंदर लग रही होती है। तभी उसे माँ की दी हुई जादुई लिपस्टिक याद आती है। तारा परी जैसे ही वह लिपस्टिक लगाती है वह दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। यह देख तारा परी बहुत उदास हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी की अच्छी और सुंदर बनाने वाली लिपस्टिक लगाकर कशिश परी बहुत ही सुंदर हो जाती है और बिल्कुल राजकुमारी की तरह चमक रही होती है। तारा परी जब अपना रोता हुआ चेहरा लेकर कशिश परी के कमरे में आती है तो वहाँ पहले से ही रिंकी परी और कशिश परी खुश हो रहे होते हैं। आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरी क्या गलती है जो आप दोनों ने मुझे दुनिया की सबसे बदसूरत परी बना दिया? अब मैं इस मुंह को लेकर पार्टी में कैसे आऊंगी? माँ यह देखो, यह तो कोयले से भी ज्यादा काली हो गई है, आज शाम की पार्टी में तो मजा आने वाला है, मैं ही उस पार्टी में सबसे खूबसूरत लगूंगी और लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे। चल हट काली कलमुही, मेरा रास्ता छोड़, कहीं मुझे नजर ना लग जाए तेरे काले रंग की। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसते हुए पार्टी में चली जाती हैं। बेचारी तारा परी अकेली और मजबूर थी। कशिश परी जैसे ही पार्टी में जाती है सभी परियों की नजर कशिश परी पर होती है और उसकी सभी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तारा परी का काला चेहरा देखकर सभी लोग उस पर हंसते हैं, परंतु धीरे धीरे कशिश परी का रंग काला होने लगता है और वह देखते ही देखते एक काला कोयला बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ तारा परी वापस अपने गोरे रंग में आ जाती है और अब उसकी खूबसूरती चार गुना बढ़ जाती है। यह देखकर कशिश परी को कुछ समझ नहीं आता और वह जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। कशिश परी को काला देखकर सभी परियां उस पर हंसने लगती है। माँ यह तो गोरा बनाने वाली लिपस्टिक थी ना,
तो मैं इतनी काली कैसे हो गई? देखिए ना माँ, सभी लोग मुझ पर हंस रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। मैं तो जादूगरनी से गोरा बनाने वाली लिपस्टिक ही लाई थी। दोनों माँ बेटी अपने किए पर रो रही होती हैं कि तभी वहाँ वह जादूगरनी प्रकट हो जाती है। यह सब मैंने किया है। यह पकड़ो अपने सोने के सिक्के और हीरे। मैं एक अच्छी और लोगों की मदद करने वाली जादूगरनी हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम इस मासूम को काला बनाने के लिए वह लिपस्टिक लेकर जा रही हो, मैंने इन लिपस्टिक का असर उल्टा कर दिया और अब तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए काली ही रह जाएगी। तो मामूली जादूगरनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने रिंकी परी की बेटी को काला किया? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। रिंकी जैसे ही अपनी जादुई छड़ी निकालती है, उससे पहले जादूगरनी अपने जादू से उन दोनों माँ बेटियों को बंदर में बदल देती है। अपना यह हाल देखकर दोनों बंदरियाँ एक दूसरे को देखती रहती हैं। अब यह दोनों माँ बेटी अगले कई सालों तक बंदरिया बनकर ही परीलोक में घूमा करेंगी। इतना कहकर वह जादूगरनी पृथ्वी लोक पर वापस चली जाती है। उस दिन के बाद तारा परी को अपनी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं होता और वह खुशी खुशी से उस जादुई लिपस्टिक के साथ रहने लगती है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल डोरा टीवी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। सोने और चांदी के बाल। बहुत समय पहले की बात है, हुसैनपुर नामक गांव में सरोज नाम का एक राजा रहता था। उसकी दो बेटियां थी। वह अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। बड़ी वाली बेटी के बाल सुनहरे थे, इसलिए महाराज सरोज उसका नाम सोनम रखते हैं, और छोटी बेटी के बाल चांदी के थे, इसलिए छोटी बेटी का नाम मेघा था। सोनम मेघा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब मेघा 5 वर्ष की थी तभी से महाराज सरोज ने मेघा को गोद लिया था। पता नहीं पिताजी ने क्या सोचकर इसे गोद ले लिया। इसके तो बाल भी सफेद हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो इसकी जैसी बहन मिली मुझे। महाराज सरोज से यह सब देखा नहीं जाता था। वह चाहता था कि उसकी दोनों बेटियां मिलजुल कर रहें। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहेंगी। मंत्री बीरबल की सलाह लेने के बाद महाराज सरोज बाबा जी के पास जाते हैं। आइए महाराज, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बाबा जी, हम अपनी दोनों बेटियों की रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो गए हैं, और हमें कुछ उपाय बताइए जिससे वह दोनों सगी बहनों की तरह रहने लगें। एक काम करो बेटा, तुम कल अपनी दोनों बेटियों को मेरे पास लेकर आओ, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। ठीक है बाबा जी, मैं कल अपने दोनों बेटियों को अपने साथ आपके पास लेकर आऊँगा। महाराज सरोज इतना बोलकर वहाँ से अपने राजमहल में आ जाते हैं और अगला दिन होने का इंतजार करते हैं। अगले दिन महाराज सरोज अपनी दोनों बेटियों को साथ चलने के लिए कहता है। यह सब सुनकर सोनम बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं इस मेघा के साथ कहीं नहीं जाने वाली, आप दोनों ही चले जाइए। बहुत देर तक बहस करने के बाद दोनों बेटियां महाराज सरोज के साथ बाबा के पास चली जाती हैं। वहां भी सोनम मेघा से लड़ना चालू कर देती है। सुन मेघा, तू इधर आकर खड़ी हो, पिताजी के बगल में तो मैं ही खड़ी होना चाहती हूँ। इतना सुनकर बाबा कहते हैं, अरे अरे तुम दोनों लड़ो मत, शांत हो जाओ। बाबा जी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, कृपया आप कोई ऐसा इलाज बताएं जिससे मैं इससे अलग हो सकूं। बेटा गुस्सा मत करो, रुको मैं कुछ करता हूँ। बाबा दोनों बहनों से बातें करता है और उनके घर जाते वक्त बाबा ने उन्हें कुछ जड़ी बूटियां मिलाकर एक दवाई बनाकर दी। यह लो बेटा,
यह दवाई तुम अपने अपने खाने में मिलाकर खाना। इस दवाई को खाने से तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाओगी। सोनम के इतना सुनते ही वह बहुत खुश हो जाती है और दवाई की बोतल लेकर दोनों बहनें अपने घर आ जाती हैं। और उस दिन के बाद वह दोनों अपने खाने में वह दवाई मिलाकर खाने लगती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब धीरे धीरे सोनम और मेघा लड़ना कम कर देते हैं। यह सब देख महाराज सरोज बहुत खुश हो जाते हैं और मन ही मन बोलते हैं, यह दवाई तो काम कर गई। धीरे धीरे मेघा और सोनम की लड़ाई होना बंद हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहा और अब सोनम और मेघा के लिए बड़े बड़े राजमहल से शादी के लिए प्रस्ताव आने लगे। एक दिन पास के गांव के महाराजा महाराज सरोज को खाने के लिए परिवार सहित आमंत्रित करते हैं। मेरे प्रिय मित्र महाराज वीर प्रताप ने आज हमें खाने के लिए परिवार सहित निमंत्रित किया है। ऐसा है क्या? तो हम जरूर चलेंगे। बताइए हमें कब निकलना होगा? कल सुबह ही निकलना है। अगली सुबह महाराज परिवार सहित महाराज वीर प्रताप के राजमहल पहुंच जाते हैं। आइए आइए, महाराज सरोज आपका स्वागत है। आहा, कितना सुंदर दिखते हैं राजपूत ध्रुव, और मैं भी कितनी सुंदर हूँ। मैंने सुना है यह बहुत अमीर भी है। मुझे ऐसा ही पति मिलना चाहिए। मैं ऐसे ही पति के लायक हूँ। आइए महाराज शिकार करने चलते हैं। हम शिकार करने नहीं जाएंगे पिताजी, आप जाइए। ठीक है ठीक है, हम लोग चलते हैं। ओहो, कितने सुंदर पंछी हैं और कितने हरे भरे पेड़। पता नहीं लोग यहाँ शिकार करने क्यों आते हैं। अरे यह तो राजपूत ध्रुव है। हाँ वही तो लग रहे हैं। नजदीक जाकर देखती हूँ। राजपूत ध्रुव आप यहाँ? आप तो सबके साथ शिकार पर गए थे ना? ओहो राजकुमारी मेघा, मैं सबकी नजरों से छुपकर शिकार छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। मुझे पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता। शिकार करने से अच्छा तो मुझे जंगल के पेड़ों पर बैठे पक्षियों का गाना सुनना अच्छा लगता है। लेकिन आप शिकार पर क्यों नहीं गई राजकुमारी? मुझे भी आपकी तरह पक्षियों का गाना सुनना अच्छा लगता है। आइए आइए, हम यहाँ बैठकर दोनों पक्षियों का गाना सुनते हैं। वैसे एक बात कहूँ, आपके बाल तो बहुत सुंदर हैं। सच में? सच में, ऐसा चांदी जैसा रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस दिन के बाद मेघा और राजपूत ध्रुव दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन सोनम अपने पिताजी और माताजी से कहती है, पिताश्री और माताजी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या बात है मेरी प्यारी पुत्री? मुझे राजपुत्र ध्रुव बहुत पसंद है। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही अपने मित्र वीर प्रताप से तुम्हारी शादी के लिए बात करता हूँ। यह सारी बातें मेघा सुन लेती है। वह मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं, मैं यह सब क्या सुन रही हूँ। मैं और राजपूत ध्रुव तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं यह शादी रोक भी तो नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? महाराज सरोज महाराज वीर प्रताप से अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं। महाराज वीर प्रताप इस बात से बहुत खुश होते हैं, लेकिन विवाह से पहले एक बार वह अपने पुत्र ध्रुव से पूछने के लिए जाते हैं। बेटा ध्रुव, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ कहिए पिताजी, क्या कहना है? बेटा मैं तुम्हारी शादी महाराज सरोज की पुत्री से तय करने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? महाराज सरोज की पुत्री? नहीं पिताजी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी कल सुबह ही पक्की कर देता हूँ, क्योंकि मेरे मित्र को अपना राजमहल वापस लौटना है। महाराज वीर प्रताप अपने मित्र राजा सरोज को शादी के लिए हाँ बोल देते हैं और फिर राजा सरोज अपने राजमहल पहुंच जाते हैं। एक रात बिना किसी को बताए सोनम घर से बाहर जाती है। मेघा सोनम को बाहर जाते देख लेती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सोनम वहां से गुजर रही होती है कि तभी कुछ डाकुओं की नजर उसके सुनहरे बालों पर पड़ती है। तभी एक डाकू बोलता है, भाई यह तो महाराज सरोज की पुत्री है ना,
मैंने सुना था इसके बाल सोने के हैं, लेकिन आज देख भी लिया। चलो आज इसे पकड़कर इसके सारे बाल काट लेते हैं और उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा मिलेगा और हम दोनों अमीर हो जाएंगे। डाकू सोनम को पकड़ लेते हैं और अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। मेघा यह देख सोनम के पीछे पीछे जाती है। डाकू सोनम को एक जगह लाकर कुर्सी पर बिठा देते हैं और उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक डाकू सोनम के बाल काटने के लिए आगे बढ़ता है। रुको, मेरी दीदी को चुपचाप छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ए बच्ची, चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर हो जा, नहीं तो अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर डाकू मेघा की तरफ आगे बढ़ता है। तभी मेघा अपने सर से कुछ बाल तोड़ती है और एक मंत्र पढ़ती है। मंत्र पढ़ते ही मेघा के बाल एक तलवार में बदल जाते हैं। मेघा वह तलवार डाकू को दिखाकर आगे बढ़ती है। डाकू तलवार देखकर डर जाते हैं और घुटने टेक देते हैं कि तभी सोनम मेघा को गले लगा लेती है। तभी वहां महाराज अपने सैनिक के साथ आ जाते हैं। मेघा अपने पिताजी को सारी बातें बताती है। मेघा की बहादुरी देखकर महाराज सरोज प्रसन्न हो जाते हैं। तभी महाराज सरोज अपने सैनिकों से कहते हैं, सैनिकों बंदी बना लो इन डाकुओं को, इनकी हिम्मत कैसे हुई राजा सरोज की बेटियों को हाथ लगाने की। इसी तरह महाराज सरोज अपनी बेटियों के साथ अपने राजमहल चले जाते हैं। जब यह बात महाराज वीर प्रताप को पता चलती है कि रात के समय मेघा ने अपनी बहन सोनम को डाकुओं से बचाया है, तो महाराज वीर प्रताप मेघा की बहादुरी से बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद महाराजा वीर प्रताप अपने बेटे ध्रुव का विवाह सोनम से ना करके मेघा से करा देते हैं। और उस दिन के बाद मेघा और ध्रुव दोनों एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।